नमस्कार। तकनीकी मूल ज्ञान में इस बार जो विषय लिया है वो बहुत कॉमन इश्यू है हमें ऑफिस में कार्य करते वक्त, चाहे वो ई ऑफिस से रिलेटेड हो या कोई भी अन्य काम हम जब एक्सेल में करते हैं और उसे हमें उसके डेटा को हमें किसी को ट्रांसफ़र करना हो, तो हम प्रेफरेबली प्रेफर करना चाहते हैं कि वो अनएडिटेबल फॉर्मेट में हो ताकि उसमें कोई जानकारी चेंज ना हो सके। तो सेम चीज़ें पीडीएफ में भी कर सकते हैं, मगर सॉरी एक्सेल में भी कर सकते हैं कि ताकि लोग एडिट ना कर सकें उसे, परंतु उसके लिए या तो फिर हमें VBA कोडिंग या थोड़ी बहुत उसमें टेक्निकल स्टेप्स करने पड़ते हैं जो सब नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अन्य ऑप्शन है वो हमारे पास यह है कि हम उस एक्सेल को PDF में कन्वर्ट कर दें और उसको देन ईमेल के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से उसे ट्रांसफ़र करें, तो वो उसे एडिट करना संभव नहीं होगा। तो उसकी क्या स्टेप्स हैं, बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम कैसे उसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया था जब मैंने आपको PDF राइटर वगैरह के बारे में बताया था कि हम कैसे PDF बना सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट जाएंगे क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे कि अगर एक एक्सेल में हमारे पास बहुत सारी शीट्स हैं और उन सबका हम सिंगल PDF बनाएं, ऐसा सिनेरियो आता है कि हम या तो एक एक शीट का PDF बनाएं या एक सिंगल PDF बनाएं, तो उसकी क्या तरीका है। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, हमें एक्सेल के विद इन एक्सेल से ही हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट एक्सेल पे चलते हैं। डेमो को या इसको आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जो अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है इसमें मैंने चार शीट्स लिए हैं। उदाहरण के लिए पहली शीट्स में मैंने 1 2 3 4 5 लिख लिया है, फिर मैंने शीट टू पे आता हूँ, शीट टू पे मैंने 6 6 7 8 9 10 तक लिख लिया है, फिर मैं शीट थ्री में आता हूँ, शीट थ्री में मैंने 11 12 13 14 15 लिख लिया है, और शीट फोर पे आते हैं, शीट फोर पे मैंने 16 17 18 19 20 लिख लिया है। कुल मिलाकर पहली शीट से लेकर शीट फोर तक हमारे पास 1 to 20 है, यानी हमारे पास टोटल 4 शीट्स है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इसका एक सिंगल PDF बना सकें। देखिए एक ऑप्शन मैं आपको पहले बताता हूँ, या तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं किसी भी शीट पे आऊँ, मान लीजिए जैसे मैंने अभी शीट वन पे आया, शीट वन पे आके मैं इसको सिंगल PDF को एज अ प्रिंट कर लूँ PDF के फॉर्मेट में, मतलब मैं स्टार्ट बटन पे जाऊँ, यहाँ पे प्रिंट पे आऊँ, प्रिंट पे आने के बाद यहाँ पे मैं प्रिंट पे जाऊँ और फिर मैं जो हमारा प्रिंट का ये आता है इसमें मैं एज अ सेव PDF कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास तो अभी क्यूट PDF राइटर का भी PDF राइटर है, आपके पास भी हो सकता है, या माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF का ऑप्शन आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और एक सेव एज PDF भी आपको मिल सकता है। मतलब एनीवे हमारे पास कोई इतने तरीके हैं कि हम इसको PDF बना लें, लेकिन इससे क्या होगा, इसका सिंगल पेज जो है हमारा PDF बनेगा। तो ऐसे ही मैं शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, शीट फोर को बना लूँ, PDF बना लूँ, उसके बाद मैं उन सबको मर्ज कर दूँ, या 4 शीट्स हैं हमारी तो 4 को भेज दूँ। लेकिन उससे बेहतर क्या हमारे पास सॉल्यूशन है कि हमें इतनी मेहनत ना करना पड़े। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने किसी भी शीट पे हो हम अगर, तो हमें अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और हमको सेव एज पे जाना है। ओके, यहाँ पे मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ। जब मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये जो स्क्रीन हमारे पास पॉपअप होती है सेव करने के लिए, तो इसको आपको जहाँ पे भी सेव करना हो, जैसे मैं अभी फिलहाल डेमो नाम के फोल्डर पे कर रहा हूँ, यहाँ कोई भी आप नाम रख सकते हैं, मैं अभी एक्सेल टू PDF ही नाम रख देता हूँ फाइल का। और यहाँ पे जो हमारा सेव एज टाइप है, सेव एज टाइप, इसमें हमको सिलेक्ट करना है PDF, ये जो हमारा PDF ऑप्शन आ रहा है। ओके, जब हम PDF की तरह सेव करेंगे तो नीचे हमें एक काम ये भी करना है कि हमें इस ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन पे आप आइए, जब इस ऑप्शन पे आएंगे तो जो हमारे पास पॉपअप खुलेगा उसमें आपको ये एक्टिव शीट के जगह एंटायर वर्कबुक लेना है। ये एंटायर वर्कबुक इसलिए ले रहे हैं कि ताकि एंटायर वर्कबुक का मतलब ये कि जितनी भी शीट्स आपके एक्सेल में हैं वो सारी की सारी हमको PDF में कन्वर्ट करनी है। अगर एक्टिव शीट में रहेगा तो हमारी जिस शीट पे हम अभी फ़िलहाल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम शीट वन पे, तो सिर्फ केवल शीट वन ही सेव होती है। ओके, इसलिए एंटायर वर्कबुक लिया और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, वापस मेन स्क्रीन में आना है और सेव बटन पर क्लिक करना। तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये देखिए अब टोटल हमारी 4 शीट थी, इसलिए यहाँ पे 4 पेजेस 1 of 4 आ गया। फिर पहले वाले शीट में 1 से 5 तक है, फिर 6 to 10 है, फिर 11 to 15 है और 16 to 20 है लास्ट शीट में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी शीट थी वो टोटली कन्वर्ट हो गई है एक सिंगल PDF में। तो ये बहुत ईजीएस्ट वे था अवेलेबल। लेकिन अभी आप अपने कंप्यूटर पर जाकर
ये करेंगे तो आपको एक समस्या आएगी, मैं आपको बता देता हूँ क्या आ सकती है। सबको नहीं आएगी, जिसके में एड ऑन एक होता है वो अगर होगा तो नहीं आएगी, लेकिन किस, जैसे मान लीजिए मैंने ये सेव एज ऑप्शन पे क्लिक किया, तो जब सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे सेव एज में, तो आपको यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो आ रहे हैं, इतने सारे सब मिल सकते हैं आपको, मगर ये पीडीएफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और ये एक्सपीएस डॉक्यूमेंट भी नहीं मिलेगा, इसके बारे में छोड़ देते हैं बात। खैर, आप पीडीएफ का नहीं मिलेगा, तो अगर ऐसा नहीं आ रहा हो तो फिर क्या करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यहाँ से पहले मैं बाहर आता हूँ, आपको कुछ नहीं, गूगल पे जाना है, गूगल पे मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, आपको बस टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट सेव एज पीडीएफ ऐड इन, ये गूगल में जाकर आप एंटर कर दीजिए। एंटर करेंगे तो जो भी रिजल्ट आ रहे होंगे, जैसे अभी मेरे पास cmm.net वेबसाइट का आ रहा है, ऐसा मैं मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, आप कोई कहीं से भी इसको एज अ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अगर अभी इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक एड ऑन मिल जाएगा जो डाउनलोड है, फ्री वेयर है, कोई इसमें कोई हमें कोई चार्ज नहीं देना, इसको डाउनलोड कर लेंगे तो एक exe फाइल यानी जो हमारी रनेबल फाइल है, इंस्टॉलेशन फाइल है, वो डाउनलोड हो जाएगी, और एज यूजुअल आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद जब आप एक्सेल पे आएंगे तो आपको सेव एज वाले ऑप्शंस में ये पीडीएफ वाला ऑप्शन आने लगेगा, 100% 100% 1% श्योर। तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन था आपको पीडीएफ कन्वर्ट करने का। इसके लिए आपको क्यू पीडीएफ राइटर या कोई अन्य सच एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये फंक्शनलिटी आपके एक्सेल में होगी। मुझे आशा है कि ये आपको यूजफुल लगा होगा। अब एक समस्या और आ सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सिंपलेस्ट इसमें डाटा रखा था, मतलब एक सिंगल कॉलम था हमारा, यानी मैंने एक कॉलम एडिटर रखा था। अब आपके एक्सेल में हो सकता है यहाँ पे बहुत सारा डेटा हो और आपका डेटा जो है वो इस लाइन को क्रॉस कर जाए, तो जब आप पीडीएफ बनाएंगे तो हो सकता है 4 शीट की जगह पीडीएफ में 8 शीट आ जाए, क्योंकि वो एक पेज से ज़्यादा जा रहा है। तो उस केस में आपको एक्सेल की सेटिंग आना चाहिए कि एक्सेल के पेज को हम सेट कैसे करें, तो उसका ऑप्शन या तो हम कभी बाद में डिस्कशन कर लेंगे, फिर भी मैं जनरल बता देता हूँ, अगर आप पूछेंगे तो उस पर भी बना देंगे वीडियो। जस्ट आप पेज लेआउट पर आकर अपने पीडीएफ एक्सेल का यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हैं, मार्जिन्स वाले ऑप्शंस में आके, यहाँ कस्टम में भी मार्जिन्स और आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नहीं तो आप ये नैरो रख लेंगे तो वैसे ही ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर साइज में जाकर यहाँ पर A4 आपका सिलेक्ट करना चाहिए, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये A4 आपका सिलेक्ट होना चाहिए ताकि वो आपका प्रॉपर पेज सेट हो जाए। फिर उसके अलावा प्रिंट एरिया से भी आप सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं, मतलब ये सारे ऑप्शंस आपको आना चाहिए। वैसे मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे गए और यहाँ पर आप प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू पे आ जाइए। प्रिंट प्रीव्यू में आ जाए तो आपको यहाँ पे दिखने लगता है कि एग्जैक्टली एक पेज में आपका कितना डेटा आ रहा है। फिर ऊपर के ऑप्शंस में आपको शो मार्जिन वाला ये चेक बॉक्स क्लिक कर देंगे आप, तो ये इस तरह का आपके पास लाइन बन के आ जाएगी। फिर आप इसको आगे पीछे कर देंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देंगे तो इसमें और कॉलम्स आपके बढ़ जाते, देखिए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो और आपकी स्पेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह आप वर्टिकली भी अपने इसको पेज को सेट कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आ जाता है, मतलब इस तरह की सेटिंग्स आप करेंगे तो वो आपके सिंगल पेज पे चला जाएगा। इसके अलावा आपके पास पेज सेटअप का ऑप्शन होता है, कई बार कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं तो आपके पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे नहीं आता, मतलब पोर्ट्रेट मतलब इस तरह का पेज में लंबे में, पर आप उसको लैंडस्केप सिलेक्ट कर लेंगे तो लैंडस्केप में ये इस तरह का सिलेक्ट हो जाता है, यानी आप जो पेज है अब आपका वो वर्टिकल वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होती है, तो आपको ज़्यादा कॉलम्स प्रिंट करने के लिए स्पेस मिल जाती है। इसी तरह आपके ये एडजस्ट टू वाला ऑप्शन है, अगर आपके बहुत कॉलम्स हैं आप इसको यहाँ से डिक्रीज भी कर देंगे तो और कॉलम्स आपके पर थोड़ा साइज जो है आपका छोटा होता जाएगा, इसमें आ जाएगा। मतलब ये सारी सेटिंग्स आपको आनी चाहिए, काफ़ी यूजफुल है ऑफिस के वर्क में, और आप करेंगे इसको प्रैक्टिस तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पर इस वीडियो को विराम देता हूँ, मुझे आशा है कि शायद ये आपके भविष्य में ऑफिस के काम में मदद करेगा। बहुत बहुत